हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ जींस का बहुत ही ब्यूटीफुल बैग, जिसे आप शॉपिंग बैग या कॉलेज के लिए किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बिग साइज़ का हम लोग यहाँ पे बैग बनाने वाले हैं, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर रही हूँ। और आपकी भी अगर कोई रिक्वेस्ट है, अगर आप भी किसी चीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं पूरा ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक जींस ले लिया है जो थोड़ा सा फट गया था। आप चाहे तो इसे किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, किसी भी पैंट के कपड़े से, बट ट्राई करिए कोई थिक कपड़ा ही लें, उससे बहुत ही बढ़िया बैग बन के रेडी होता है। तो जींस को मैंने बीच में से कट कर लिया है, और इसके दोनों पैरों के नीचे का जो हमारा पोर्शन होता है, जो हेम होता है, उसको मैंने कट कर दिया है। और ये साइड से भी जो स्ट्रिप है ना, मोटी सी जो रहती है, उसको भी मैं कट करके निकाल दूँगी। और उसके बाद ये देखिए 16x16 का हमें ये पीस रेडी करके रखना है। तो ये 16x16 में कम था, तो यहाँ मैं जॉइंट लगा रही हूँ। आप चाहे तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा बिग साइज़ का बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 16x16 का मैं यहाँ रेडी करने वाली हूँ। फिलहाल ये 17 है, जॉइंट करके इसको 16 हो जाएगा ये। तो इसको सबसे पहले साइड में हम लोग जॉइंट लगा लेंगे। तो ये देखिए जॉइंट मैंने लगा लिए हैं दोनों में। अब दोनों पीसेस को हमें इस तरीके से रख लेना है, और जो हमने जॉइंट लगाया था उस पोर्शन पे नीचे की तरफ से हम कटिंग करेंगे इसे। तो 2x2 इंच का मैं यहाँ पे मार्क कर ले रही हूँ इस तरीके से, और इसको हम कट कर लेंगे। दोनों साइड से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये 2x2 का जो कट किया है मैंने, ये नीचे वाला पोर्शन रहेगा हमारा, और ये ऊपर पोर्शन में हमें 1x1 का कट करना है। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने कट करके ले लिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ के तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। और आप सब जगह पर डबल स्टिच लगाइएगा फ्रेंड, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है, तो डबल स्टिच लगाने से सिक्योर रहता है। और आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही सिलने वाली हूँ। फिर देखिए तीनों तरफ से स्टिच लगाने के बाद हमें जो नीचे वाला पोर्शन है, उसको इस तरीके से पकड़ के सिलाई कर देना है। दोनों साइड से हम लोग ऐसे ही कर देंगे। तो देखिए नीचे का सिलाई हमने कर लिया है। अब हम इस स्ट्रिप तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए फैब्रिक का पीस ले लिया है, 25x3.5 का चौड़ाई है इसका, और लंबाई है 24 इंचेस, रेडी होके आएगा, अभी तो 25 इंचेस है। उसके बाद हमें इसकी पट्टी बना लेनी है बैग की, इस तरीके से फोल्ड करके हम बना लेंगे। आप लंबाई इसकी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कुछ लोग कम लंबा रखते हैं तो 20 इंचेस तक भी आप रख सकते हैं, 18 इंचेस तक भी आप रख सकते हैं, बट 18 से कम मत रखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। 18 इंचेस मिनिमम रखिएगा ही। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया बेल्ट, और इसी को हम दो बेल्ट बना लेना है हमें उसी तरीके से। अभी जो हमने कट करके लिया था उतना हिस्सा हमें फोल्ड कर देना है। देखिए मार्क के पास से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, दोनों साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। दोनों साइड मैंने मार्क कर लिया, उसके बाद 2.5 इंच की मैं इधर मार्किंग करूँगी, और 2.5 इंच की अपोजिट साइड में मैं मार्किंग करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दूँगी मैं, जिससे हमें पता रहे कि हमें बेल्ट उसके नीचे ही लगाना है, उतने में ही सिलाई आनी चाहिए, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो इस तरीके से मार्क के उस तरफ अपोजिट साइड में हम बेल्ट को रख के स्टिच कर देंगे।
वैसे तो बैक फ्रंट्स कई तरीके से बनते हैं, बट मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताती हूँ ताकि आप सब इजीली बना पाएँ। इसमें पॉकेट लगा के भी आप बना सकते हैं, बट मैं एकदम इजी वे बता रही हूँ आपको, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो बनाने में। तो ये देखिए बेल्ट हमारी लग गई है दोनों साइड से। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी चेन वाला बैग बना के दिखाने के लिए, और सिंपल बैग ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहें तो एंड में मैं डाल दूँगी इसके बाद। तो ये चैन को हमें इस तरीके से बिठा लेना है यहाँ पर। अब घर पे कोई भी पुरानी चैन आपके पास अवेलेबल हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर पुराने बैग का हमारा चैन पड़ा रहता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए चैन मैंने अटैच कर दिया, अब इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे एक। तो मैंने टॉप स्टिच भी इसको लगा दिया देखिए इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। और इसे भी हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हमारा रेडी हो गया चेन लग के। अब हमें क्या करना है, जो हमें ऊपर एक एक इंच का कट किया था उसको इस तरीके से फैला के सिलाई कर देनी है। देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ, जैसे हमने नीचे किया था उसी तरीके से हमें ऊपर भी स्टिच कर देना है। और डबल सिलाई करना ना भूलें फ्रेंड, डबल सिलाई ज़रूर करें, इससे मजबूती आएगी बैग में। देखिए दोनों साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और डबल सिलाई भी कर दी है इस पर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और अब हम इसे पलट लेते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैग हमारा बनके रेडी हो गया है एकदम इजीली। आप देख सकते हैं मैंने कितनी फटाफट इसे बना दिया है, आप भी ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। और कमेंट में मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और आप अगर कोई चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी वीडियो बनाने का उस पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।